हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ चूरमा के लड्डू की रेसिपी। सभी को चूरमा के लड्डू घर में बहुत ही पसंद आते हैं और गणेश भगवान की भी प्रिय है। एकदम झटपट बन जाते हैं और उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जिससे कि हमारे चूरमा के लड्डू एकदम परफेक्ट बनते हैं। टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है। उसमें यहाँ पर हमने 5 कटोरी गेहूँ का मोटा वाला आटा लिया है। पतला वाला जो हमने रोटी बनाने लेता है वो नहीं, मोटा वाला हमें यूज़ करना है जिससे कि एकदम परफेक्ट हमारे चूरमा के लड्डू बने, एकदम करकरा होता है। यहाँ पे हमने 5 कटोरी लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे मोड़ के लिए तेल यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून तेल यूज़ किया है और अच्छे से हमें मोड़ दे देना है। हमें अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेना है। मोड़ वैसे हमें चेक करना है, जैसे कि हमें मुट्ठी करते हैं तो एकदम परफेक्ट चिपक जाता है, तो ये हो उसका परफेक्ट रेशियो है तेल का मोड़ देने का। अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से भी तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा और मैंने तेल ऐड किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से करेंगे तो एकदम चिपक जाएगा और इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से हमारा तेल का रेशियो एकदम प्रॉपर है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे एकदम परफेक्ट मिक्स करने के लिए हमें ऊपर से गर्म पानी डालना है। यहाँ पे हमने थोड़ा गुनगुना पानी गर्म कर लिया था और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा मोड़ प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहली टिप ये है, अगर तेल का मोड़ प्रॉपर है तो हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ये तेल ऐड करना है, ज़्यादा नहीं चाहिए ना कम चाहिए, एकदम परफेक्ट रेशियो चाहिए। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसी तरह से हमें मुठिया बना लेना है। इस तरह से भार देकर हमें अच्छी तरह से प्रेस कर मुठिया रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारी उंगली का इस तरह से पड़ जाए तब तक हमें अच्छे से दबाना है जिससे कि एकदम प्रॉपर हार्ड बने और फ्राई करने के टाइम अंदर से भी कच्चा ना रहे और अलग भी ना हो। अच्छे से हम इस तरह से प्रेस करके हमारी मुठिया रेडी कर लेंगे सारे। इस तरह से हम बीच में उंगली का निशान बनाते हैं जिससे कि अंदर भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्चे ना रहे। हमने सारे मुठिया एक रेडी कर लिए, आप देख सकते हो। ये सारे मुठिया हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें गैस में तेल गरम करने के लिए एक कढ़ाई में रख देना है। तेल हमें उतना लेना है जितना कि ये मुठिया अच्छी तरह से डिप हो सके, उतना तेल हमें लेना है। अच्छी तरह से सारे मुठिया जितने हो पाए उतने इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। पहली साइड में हमें अच्छी तरह से लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है जैसे कि एक साइड पक जाए, उसके बाद ही हमें दूसरी तरफ पलटना है। मुठिया की रेसिपी एकदम परफेक्ट तभी बनता है जब तक हमें तेल का मोड़ अच्छी तरह से डाला हो, तब भी चूरमा के लड्डू एकदम परफेक्टली आसानी से चटपट बन जाते हैं। एक तरफ से अच्छी तरह से पक गया है, धीरे करके हमें दूसरी तरफ पलट देना है जिससे कि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए तब तक हमें उसे पकाना है और गैस की फ्लेम लो ही रखनी है जिससे कि धीरे धीरे करके अंदर की साइड भी पक जाए, वरना अंदर की साइड कच्चा रह जाएगा। हमने पलट दिए हैं,
इस तरह से उंगली के निशान करने से क्या है कि अंदर भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, आप देख सकते हो। अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, हम एक प्लेट में उसे अच्छी तरह से तेल में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे मुठिया तेल में से निकाल लिए हैं। और दूसरे मुठिया हमें फ्राई करने के लिए डाल देने हैं। अच्छी तरह से ये भी पक गए हैं, आप देख सकते हो एकदम ब्राउन हो गए हैं। हम इसे चिमटे से भी निकाल सकते हैं, ये आसान रहेगा, आपको जो तरीका पसंद आया उसी तरह से आप निकाल सकते हो, कंफर्टेबल लगे वैसे ही। इस तरह से हम कट कर लेंगे जैसे कि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए उसके बाद हमें उसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर देना है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो। उसके बाद हमें एक मिक्सर जार लेना है, उसमें ये मुठिया जो हमने कट कट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो एकदम फाइन रेडी हो गया है। हम दूसरा भी उसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हमें थोड़ा जायफल अच्छी तरह से छीन लिया है, जैसे कि जायफल का टेस्ट लड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। हमें यहाँ पे ये ढीला वाला गुड़ आता है ना, वो ही डाला है यहाँ पे। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून गुड़ डाला है। आपको जितना टेस्टी पसंद हो, जितना मीठा उतना आप डाल सकते हो। ये मैंने 4 टेबलस्पून गुड़ लिया है। हमेशा ढीला वाला यूज़ करें जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ऊपर से हमें घी डालना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी ऐड किया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी घी ऐड कर सकते हो अगर ज़रूरत हो तो। अच्छी तरह से हम जो आटा गूंथते हैं ना उसी तरह हमें मिक्स कर लेना है। हमें घी की ज़रूरत है। ऊपर से हम यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से गुड़ और घी आटे में मिक्स हो जाए तब तक हमें अच्छे से मिक्स करना है। चूरमा का लाडू बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, पर कुछ टेक्निक है जो हमें ध्यान देनी है जिससे कि हमारे लाडू परफेक्ट बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। अब हम लड्डू बना लेंगे। यहाँ पे हमें 5 लड्डू गणपति बापा के लिए अलग से बना लेंगे। यहाँ पे हम 2 तरीके के लड्डू बनाएंगे, राउंड शेप में भी और मोल्ड वाले भी। यहाँ पे ये मोल्ड है, इस मोल्ड में बहुत ही अच्छा शेप मिलता है लड्डू को। हम दोनों तरह की प्रिपेयर कर लेता है। इसी तरह से प्रेस करके हमें सारे डालना है जैसे कि अच्छा सा शेप बन जाए। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आपके घर में आप शेप वाले बनाते हो या राउंड वाले। इसी तरह से कितना अच्छा शेप बन गया आप देख सकते हैं। उसी तरह से हम सारे लड्डू प्रिपेयर कर लेंगे। हमें इसमें अच्छी तरह से प्रेस करके डालना है जिससे कि उसका अच्छा सा शेप बने। थोड़ा कम डालेंगे तो अच्छा शेप नहीं बनेगा, बहुत आसानी से बन जाता है।
अच्छी तरह से हम प्रेस करके इस तरह से निकाल लेंगे। हमने सारे लड्डू प्रिपेयर कर लिए हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे लड्डू प्रिपेयर हो गए। उसके बाद हम ऊपर से खसखस से गार्निश कर लेंगे। ये खसखस है, ये मुझे, मैं आपको जूम करके भी बता देती हूँ। खसखस में आप अच्छी तरह से ऊपर से खसखस डाल दीजिए, अगर चाहे तो आप रख दो भी सकते हो, मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इस तरह से हम ऊपर से डाल देंगे खसखस से, लड्डू बहुत ही अच्छे और टेस्टी भी लगते हैं। सारे लड्डू में हम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चूरमा के लड्डू एकदम रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी लेके, टिल देन बाय।